झंडा देने वाले 23 अगस्त को जबरदस्त धरना होगा, महाधरना होगा राजभवन के सामने है। मुद्दा यही मुद्दा है, सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, स्थायी नीति, नियोजन नीति, पैसा एक्ट, जो यहाँ का मूल चीज को जो है, यहाँ का मूल कवच है, आज तक सरकार कर नहीं पा रही है। तो जनतांत्रिक तरीके से जो हमको लड़ाई लड़ना है लड़ेंगे, सदन के अंदर में हमने रखा, फिर बाहर भी रखेंगे इस बात को। देखिए लोग अभी लोकसभा आने दीजिए ना, जैसा पब्लिक बोलेगा वैसा करेंगे। कहाँ से मन बना है? वो पब्लिक जहाँ से बोले वहीं से नहीं नहीं अभी देखिए हम अपने से निर्णय नहीं लेते, हम अपने से निर्णय नहीं लेते। अगर जनता जनार्दन चाहेगी तो ठीक है, वो जैसा निर्णय ले, वो हम अपने निर्णय पब्लिक पर हम जाते हैं, पब्लिक के कहने पर मैं जाऊंगा। अगर पब्लिक कहे, अगर पब्लिक कहे पार्टी बनाओ तो पार्टी बनाऊंगा, पब्लिक कहे कि आप निर्दलीय खड़ा हो तो निर्दलीय लड़ूंगा। सुनिए ना, वो हम पब्लिक झारखंड की जनता जानती है और हम उसी के अनुरूप चलेंगे। ठीक, दादा को हरा के जाते भगवा रंग पसंद आने लगा है, ये बकवास है, हम तो पहले भी बोले हैं। ये हम ही लोग आदमी सब बात मैंने उल्टा सब पुल्टा सब। अरे हरा है तो हम है ये हैं, झारखंड हरा है तो मैं भी हरा हूँ, लेकिन झारखंड हरा क्या, झारखंड के लोग उदास बैठे हुए हैं। जो हक अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, और यहाँ पे लोग अब हमको लगता है नहीं बचेंगे आदिवासी मूलवासी लोग, जैसा लग रहा है। माने हेमंत सरकार रहेगी तो नहीं बच पाएंगे? अरे इतना सरकार में यार किया नहीं तो फिर हेमंत सरकार ने तो इसको तो करना चाहिए, तो अपने बोले थे, इसीलिए लोगों को ना विश्वास हुआ था कि हमारी सरकार बनेगी। हम लोग नारा लगाते अब की बार हेमंत सरकार तो हो ही गया, लेकिन फिर ये कहाँ हो कहाँ रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? वो अपने भी बोले थे ना, तो उसी चीज को दोहराते। तो फिर आप लोग रोजे रोज एक तो बात पूछते हैं, अरे भाई क्या करें। अच्छा हेतु यहाँ पर सेंट्रल एक्ट है, सीएनटी एक्ट है, एसपीटी एक्ट है, पी पेशा एक्ट है, तो ये एक्ट रहने के बावजूद यहाँ पर जो धड़ल्ले से आदिवासियों मूलवासियों की जमीन का लूट हो रहा है, तो फिर कैसे लोग बचेंगे? और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा पत्र में भी ये कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो ये सारा चीज़ को हम धरातल पर उतारेंगे, और उन्होंने ही कहा था कि भाई यहाँ क्या बोलते हैं उसको, स्मार्ट विलेज हम बनाएंगे, लेकिन यहाँ स्मार्ट विलेज न करके स्मार्ट टाउन बन रहा है, स्मार्ट सिटी बन रहा है। तो हमने कहा कि भाई जिस तरीके से पी पेशा एक्ट को बिहार सरकार ने 1998 में संकल्प जारी कर दिया था, आप उसी संकल्प के आधार पर आप यहाँ आप भी संकल्प जारी करिए पी पेशा एक्ट लागू करने के लिए। तो बोले कि नहीं, इसमें हम थोड़ा समय लेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, इसके बाद आपको हम आश्वासन देते हैं कि हम लोग बात करके फिर समय निर्धारित करेंगे। आप पता नहीं क्या करेंगे, हमने कहा कि कम से कम दिन भी तो बता दो, महीना बता दो, कौन महीना में कितने दिनों के अंदर में कम से कम समय निर्धारित हो जाए, हम संतुष्ट हो जाएंगे, या लोगों को भी हम बताएंगे कि भाई आश्वासन सरकार ने दिया है। तो आश्वासन क्या मिला? तो आश्वासन क्या बोला कि ठीक है हम लोग बात करेंगे और इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, ये आधा अधूरा आश्वासन मिला है। मैं संतुष्ट नहीं था, फिर भी हमने कहा स्पीकर को, हमने कहा कि हमने मैं आपके बात पर इसको वापस लेता हूँ, लेकिन जिस तरीके से एक्ट बनाया हुआ एक्ट है और यहाँ पर आदिवासी या मूलवासी लोगों को जिस तरह से जमीन को लूटा जा रहा है, आज पे यहाँ पर आपका एचईसी में इतना दिन पहले, इतने कई साल पहले यहाँ एचईसी का जमीन को अधिग्रहण किया, ये जमीन तो स्वतः वापस हो जाना चाहिए था, ऐसे ऐसे बहुत लोगों का जमीन है। और इसके बाद यहाँ पर दखल दहनी का केस 1.5 लाख से ज़्यादा पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो न्यायालय से उनको न्याय मिला और वहाँ दखल दहनी अभी तक इन लोगों को नहीं मिल पाया है, बहुत अफसोस की बात है। तो ये सारा चीज़ एक तरह से सरकार छलने का काम कर रही है, और आखिर क्या करते हैं, हम तो बोले कि चलो आप लोग अपना निर्णय लो फिर बाद में जैसे काम। लगातार दादा उठा रहे थे आदिवासियों का मामला, सरकार से लगता है ज्यादा ही आदिवासियों का तरियार। अच्छा क्या करें हम बताइए, तो हाँ जमीन तो गड़ा हो गया, ऊपर तो ऊपर हो गया, कहाँ जाए हम।
आखिर सरकार में रखने का जनप्रतिनिधि दिया तो हमको रखना है और सब मैंने व्यवस्थायिक रूप से इसको एक जवाब देना चाहिए, लेकिन जवाब भी आधा अधूरा रह जाता है, बड़ा मन छोटा हो जाता है। मैंने तो कहा कि मैं चला तो ठीक है, तो लेकिन नहीं नहीं ठीक, हम लोग मुख्यमंत्री से मिले करके बात करेंगे, फिर हम लोग समय निर्धारित करेंगे। दुखी हैं आप? बिल्कुल दुखी है।